गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके धन मतलब आपका घर धन से हमेशा भरा रहे। मेरी यही दुआ है कि मैं हम लोगों के सबके घर धन से इतने भरे रहे कि वो कभी ख़त्म ना हो सके। और आज का मॉर्निंग में हम उठ चुके हैं और अभी सुबह के बजे हैं 7। और रात में मैंने जो मशीन लगाई थी वो यहाँ की, पर्दे मैंने रात में धोए हैं सारे और इतना ज़बरदस्त धोबी घाट मचा हुआ है बाहर में। ये देखो, ये मैंने सारे पर्दे वर्दे मेरे धो लिए हैं और बहुत ज़्यादा गीले हैं अभी, तो इनको शाम में लगाएंगे। और बाहर का धोबी घाट देखो मेरा, ये मेरा बाहर का धोबी घाट है सारा, जो इतने सारे कपड़े थे बच्चे बच्चों के। तो जब मम्मी यहाँ पर थी तो मम्मी ने लगवा दी थी मशीन, तो हम दोनों ने मिलकर धो लिए थे। अब मम्मी भी जा चुकी है घर अपने और अभी मैंने चाय वाय नहीं बनाई है, अभी चाय मैंने चढ़ाई नहीं। हस्बैंड जा चुके हैं और हस्बैंड के लिए 2 चपाती बना दी और रात में जो टमाटर की चटनी बनाई थी वो तो ले गए आज, क्योंकि रात में मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मुझे रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे सोते सोते। ये देखो, ये आया शैतान, ये वहां पर लेटा हुआ था कमरे में और ये भाग कर आया मेरी आवाज से। जब मैं ब्लॉग बनाने लग जाती हूँ तो ये मेरी आवाज से भाग के आता है, कभी तो छुप जाता है और कभी आ जाता है, क्योंकि ये भी बहुत जबरदस्त नाटकबाज है। इतना शैतान है ना ये, इसके जैसा शैतान कोई नहीं है संसार में। मार्टिन, का हुआ? दूध पी लिया? ये देखो, अब यहाँ आके किचन के सामने आके ये भाई साहब लेटे हैं और अब देखते हैं इसकी दीदी क्या कर रही है। ये है इनकी दीदी, जो अपने उसी पोजीशन में सोई हुई है, जो उनसे पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, ये दीदी के पैर और ये है दीदी का फेस। नहीं भाई, और मार्टिन का भैया गया है वॉशरूम और अब मैं चढ़ा रही हूँ चाय और मुझे बहुत सारा काम करना है। इसमें है मेरा सामान जो मैंने खरीदा था, इसमें मेरे कम्बल है, ये भी कम्बल है एक, और इसमें भी कम्बल है जो मैंने खरीदा था थोड़े दिन पहले, हो गए काफ़ी टाइम हो गया इसको खरीदे हुए मुझे। और मैं दिखाती हूँ क्या कैसे कम्बल है। ये है मेरे बेडशीट गरम वाले जो मैंने खरीदे थे, काफ़ी टाइम हो गया इनको, ये अंदर रखे हुए थे, अभी जब साफ़ सफाई करी हमने तो ये बाहर उतार के बाहर ला के रख दिया था। अब इसको वापस ऊपर रख देंगे, बेड में डाल देंगे। ये वाले बेड शीट मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदे थे और ऐसे कैसे खरीद के मैंने बेड के अंदर डाल दिए थे, जब उस दिन मैंने साफ़ सफाई की घर की तो इसको निकाल के बाहर रख दिया। अब इसको वापस डाल देंगे क्योंकि अभी मन नहीं है मेरा इसको यूज़ करने का, क्योंकि इसलिए यूज़ नहीं करती, बच्चे सारे गंदे कर देते हैं, जो पुराने हैं वही यूज़ करेंगे, ये नए वाले बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी जब तक पुराने वाले ख़राब नहीं हो जाते, जब तक नए सामान मैं नहीं निकालती हूँ। चाय हमारी पक रही है, जब तक मैं ये साफ़ कर देती हूँ ये सारा, क्योंकि टाइम ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ काम करूँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा दुकान के लिए। तो जब तक चाय पक रही है, जब तक मैं इस पर डस्टिंग वो कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, इसको झाड़ू मार के इस पर कपड़ा लगा देती हूँ और फिर इसको रात में शाम में आके पर्दे लगा देंगे इसके ऊपर। अभी मैंने कर ली पूरी डस्टिंग, कर ली अच्छे से, बिल्कुल बहुत साफ हो गया एकदम से। ऊपर से मकड़ी के जाले भी लगे हुए थे, क्योंकि पर्दे के पीछे से ना मकड़ी के जाले लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता हम लोगों को, क्योंकि पर्दे लगे होते हैं, काटन लगे होते हैं। और ये बन गई है मेरी चाय, क्योंकि धीरे धीरे चाय पक रही थी, अब मैं चाय डाल के फिलहाल बच्चों को दे देती हूँ। और ये सो रहे हैं शैतान, अभी तक उठे नहीं है, 2 बार इनको जगा के जा चुकी हूँ, चाय पी लो, चाय बन चुकी है। और ये है इनके भैया मार्टिन के, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। ये देखो, आज क्या 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 करना है बेटा? अभी कल गाड़ी डाल के आऊंगा कल सर्विस के लिए। अच्छा, गाड़ी सर्विस करानी है आज? कॉल आ रहा है काफी टाइम से। ओके, आज देखो सुबह सुबह बच्चे इतने बिजी जाते हैं, कहाँ टाइम मिलता है बच्चों को,
अब सुबह सुबह इसके पास इतना काम है, बहुत ज्यादा काम है, जैसे मेरे पास है जैसे आप लोगों के पास है इसके पास भी काम है, और सबसे ज्यादा काम है हमारे मार्टिन के पास, ये देखो इसको सोना है, इसके पास इतना काम है कि इसके लिए तो ये लगा लो पूरा दिन इतना कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है इसके लिए। अब बज चुके हैं सुबह के 9 और मैं कर रही हूँ गैस साफ, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है हमारा गैस। बच्चे चाय बनाते हैं पीछे से या दूध गर्म करते हैं और इसको इस तरीके से दूध और ये चाय वाय सब निकाल देते हैं, मैगी वैगी बनाते रहते हैं बच्चे, तो पूरे दिन सतानों का यही काम है गंदगी फैलाना। बस करती हूँ इसको क्लीन क्योंकि ये ऐसे छूटेगा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा सर्फ लगा के इसको रखना पड़ेगा हमें अच्छे से तब जाके। और ये पूरे में देखो ये सब्जी उब्जी बनती है तो उसमें पूरे में छींटे लग गए हैं। कर लूं किचन की गैस की सफाई। ये हो गया गैस साफ, ये यहाँ की दीवारें भी मैंने साफ कर दी है सारी। अब बज गए सुबह के 9:30, मैंने गैस साफ कर लिया, बहुत ज्यादा बच्चों ने गंदा कर रखा था, ये साफ कर दिया सारा, घर का काम हो गया, झाड़ू रह गई है, बस झाड़ू पोछा करके बस मुझे निकलना है और आज है धनतेरस, वो तो आपको पता ही है। और धनतेरस में कहते हैं ना कि कुछ नया खरीदना पड़ता है, मतलब खरीदना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ होता है आज के दिन, हम कुछ नया चीज़ घर में कुछ भी लाते हैं, चम्मच से लेकर आप मतलब 2 रुपए की चीज़ से लेके आप हज़ारों की चीज़ें लाते हो तो बहुत शुभ होता है। तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई बताओ क्या लाना है, क्योंकि बर्तन तो बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है घर में, तो सबके नॉर्मली होता है ये सब कुछ। तो मैंने बच्चों से दोनों से पूछा तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मेरे को चांदी की एक बाली दिला दो, क्योंकि उसका एक तरफ का कान में वो है, कान छींद रखा है, तो वो कह रहा है कि मेरे को बाली दिला दो, तो उसको दिलानी है मुझे चांदी की बाली, क्योंकि ये हमारे ऊपर होता है हमें क्या लेना है। बहुत से लोग चांदी लेते हैं, बहुत से लोग ये आपका सिल्वर ये स्टील लेते हैं, और बहुत से गोल्ड लेते हैं, बहुत से डायमंड लेते हैं, वो आपके ऊपर है कि भाई आपको क्या लेना है। तो हमें जाना है सुनार के यहाँ, तो आज लेनी है मुझे चांदी की बाली बेटे के लिए, और फटाफट फटाफट मुझे निकलना है नहाकर, क्योंकि सुनार के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी और मैं उसको खरीद नहीं पाऊँगी। तो मैं आज ये काम करके आऊँगी, बेटे को दिलाना है धनतेरस वाले दिन चांदी की बाली। ये हमने तीनों ने मिलकर बात कर ली है कि भाई क्या लेना है। निकल गए शॉप के लिए, पहले सुनार की शॉप पे चलेंगे ना। अब मैं आ गई शॉप पे और सामान मेरा पूरा फैला पड़ा है, अभी अभी आई हूँ मैंने, बेटे ने आंटी लगा दी आज और पोस्टर भी लगा दिया, और आज धनतेरस है तो इसकी शॉपिंग करा दी मैंने, जो इसको चाहिए थी छोटी छोटी बाली चाहिए थी इसको चांदी में, तो मैंने इसको चांदी में बाली दिला दी। और सुनार भैया तो हमारे कह रहे थे कि भाई वो ले लो चांदी का कुछ और ले लो, क्योंकि आज का टाइम होता है यार कमाने का, सब लोग चाहते हैं कि अगर हमारी दुकान पे कोई घुसा है तो कम से कम 5-6-10 हज़ार का सामान लेके जाए, सबकी कोशिश होती है, मेरी भी होती है सीजन के टाइम पे। तो वो भैया कहने लगे कि बाली क्या लोगे कुछ और ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें बाली की ज़रूरत है। बेटे ने पहले ही बोला था कि मम्मी मुझे बाली दिला देना, इसको बाली दिला दे, दिखाओ कैसे लाए हो। ये है इसकी बाली, ये बिल्कुल प्लेन है एकदम से, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि ज़्यादा प्लेन होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, सिंपल सोबर। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसकी बाली, चलो मैं जाता हूँ ठीक है। इस तरीके की है बिल्कुल सिंपल, ये इसको समझ में आई है तो मैंने चल यही ले ली, यही पसंद आया इसको, बाकी तो भैया ने बहुत दिखाया था। ये लो भाई
अब गया बेटा बहुत ज्यादा बिजी है आज, उसको गाड़ी की सर्विस भी करानी है क्योंकि वहां से भी बहुत ज्यादा फोन आ रहा है बार बार में सर्विस के लिए, क्योंकि क्या होता है ना दीपावली के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कंपनी वालों को। और फिर ठीक है ना, अच्छी बात है, इस बहाने सर्विस हो जाती है। तो आज मेरा बेटा बहुत ज्यादा बिजी है, मुझे फटाफट छोड़ के चला गया। वो आंटी और पोस्टर तो लगा दिया उसने, और वो कह रहा मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अब उसने अभी नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, बस चाय वाय पी है उन लोगों ने, फैन खाए हैं, और कह रहा आज तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो अब उसको मैंने सुबह सुबह चांदी की चीज़ दिला दी, क्योंकि मैं भी फ्री हो गई। धनतेरस वाले दिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए हमें, चाहे छोटी चीज़ चाहे बड़ी चीज़। तो मैं खरीद चुकी हूँ, शॉपिंग कर चुकी हूँ धनतेरस की। अभी जब प्रियंका आ जाएगी, बेटी आ जाएगी शॉप पर, तब मैं जाके सामान ले आऊँगी, दिए वगैरह, क्योंकि आज के दिन से स्टार्ट होते हैं हमारे दिए जलाना। अब बज गए दिन के 3:30 हो गए, और अब मैं हुई हूँ फ्री। काम ख़त्म करके सुबह मॉर्निंग से मैं पूरा दिन आज बिजी थी, खाना भी नहीं खाया आज तो। क्लाइंटों ने हद मचा दी, और यहाँ चल रही है साफ सफाई, और ये देखो शैतान कैसे ताका झाकी कर रहा है अंदर से बाहर से। और वैक्स एसी चलाते चलाते इतनी हालत ख़राब हो गई मेरी तो, नाक में भी पेन हो रहा है मेरे, और गले में भी दर्द होने लग गया, क्योंकि मेरे साथ यही होता है जब मैं परेशान, मतलब परेशान किया जब, मतलब ज़्यादा वैक्सिंग वगैरह आती है तो फिर एसी चलाना पड़ता है, और एसी में हालत हो जाती है ख़राब। और अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, और ये शैतान को देखो इसकी गर्दन में पेन हो रहा है, क्योंकि ये इसने भी वैक्स के डब्बे भरे हैं, वैक्सीटर में वैक्स पलटी है, और इसकी हालत हो रही है इतनी ख़राब। और अब इसे हम करवाएंगे, हमारे शॉप पर एक चीज़ है जो हम इसको बोलेंगे साफ करेगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ है वो। ये है वो चीज़, ये काम है जो हम मैक से करवाएंगे। ये हमारी रीका वैक्स के ये है जो ये महक हमारी साफ़ करेगी, क्योंकि ये जल्दी से साफ़ नहीं होता, इससे हमने रीका वैक्स की है। तो ये तो मेरा आज का है जो मैंने अभी अभी रीका वैक्स की है, और ये मेरा पुराना है, 1 महीने पुराने हैं ये नाइप, जब ये साफ़ करेगी। और मैं इसको कह रही हूँ तो कर दे साफ़, और ये देखो इसका जवाब, और ये देखो कर दे बेटा, क्यों रीजन बता निकल मेरे। कैसे जान निकल जाएगी बता, किस 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 को? मतलब ये इतना डरती है, ये ऐसे मैं नाइफ कर देती हूँ रीका वैक्स में तो इसको डर लग जाता है, इसको बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है, क्योंकि जल्दी सी क्लीन नहीं होती है। कर देना है, तो चॉकलेट खिलाऊंगी, बच्चे हो गए हैं। अभी मैं इससे देखती हूँ, पटाती हूँ इसको मैं, ये साफ़ करेगी। और अभी तक मैं मार्केट भी नहीं गई, क्योंकि मेरे को आज धनतेरस है, तो मेरे को दिए वगैरह लाने हैं, और वो कैंडल वगैरह लानी है। पकड़ इसको हाथ में, नीचे मत रखे चिपक जाएगा। और मेरे को दिए लेकर आने हैं, और मेरे को कैंडल लानी है, और तेल भी नहीं है सरसों का, वो भी लाना है। और आज शनिवार है, और कहते हैं कि आज के दिन शनिवार ना, आज कहते हैं आज के दिन तेल नहीं खरीदते, लेकिन क्या करें मजबूरी है, कुछ नहीं होता दीपावली के लिए खरीदने में, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें भगवान के नाम के दिए जलाने हैं, तो उसमें कुछ नहीं होएगा। तो मैं जाऊंगी छोटी तेल की शीशी खरीद के लाऊंगी, और दिए खरीद के लाने हैं। और मेरे बज गए 3:30, अभी देखो टाइम 3:30 बज चुके हैं, और हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया, और ये बस इनके पास तो यही काम है। अब ये कर रही हैंड वॉश, इसने भी खाना नहीं खाया, और ना ही महक ने खाना खाया, और ना मैंने खाया, और अब लग रही है मेरे पेट में भूख, चूहे ऐसे फुदक फुदक कर रहे हैं। और अभी बहुत सारा काम पड़ा है मेरे लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज धनतेरस है, क्योंकि मेरे को धनतेरस और छोटी दीपावली बड़ी दीपावली और गोवर्धन पूजा और आपका भैया दूज, ये 3-4 आना त्यौहार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है, मेरा मन होता है हर रोज़ दीपावली होनी चाहिए। अब ये ऐसे कह रही है कि मैं इसको आज साफ़ नहीं करूँगी, इसको बाद में करूँगी, जब ये बाद में साफ़ करेगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे लड़की साफ़ करेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसको साफ़ करने का। अभी कह रही है कि अभी मेरा मूड नहीं है, अभी आप इसको रख दो। तो अभी ये महक आज काम नहीं करेगी, अभी ये पता नहीं कब साफ़ होंगे, जब होंगे तब होंगे, देखते हैं कब होंगे। अभी जा रही है ब्रेड पकौड़ा लेने, क्योंकि आज हमने खाना खाया नहीं, और ना मैं खाना बना के आई, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी आई थी नाश्ता वास्ता करके, और ये भी आज जल्दी आ गई। हाँ, मुंह देख, जिसमें लास्ट में
लिया दो लिया हाँ। दो ब्रेड पकौड़े, एक मेरे लिए और एक प्रियंका के लिए, बस बहुत है। दो ब्रेड पकौड़े के लिए मैं 500 रुपए लेके जा तो ऐसा करियो, तीन लिए जो फिर ठीक है। अभी जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा ले दे। तू नहीं लाई अपने लिए? अच्छा तो कहाँ है वो, कहाँ है ब्रेड पकौड़े? उसने बोला टाइम लगेगा। अच्छा हाँ कसम से नहीं मिले। देखते वो यही भी बोलता है, सुन ही नहीं रहा था मेरी, वो तो मैंने टी शर्ट पकड़ के खींचा उसके भैया कहने की हाँ मैंने बोला ब्रेड पकौड़े, कह रहे टाइम लगेगा। अब हम खा रहे हैं खाना, हाँ सब्जी अच्छी है। अब हम खा रहे हैं खाना और ये है उसकी सब्जी, दाल है और रोटी है, और ये मेरी महक को मैंने ब्रेड पकौड़े के लिए भेजा था, तो एक मेरी फ्रेंड है मतलब वो मुझे दीदी कहती है और मैं भी उसको सिस्टर मानती हूँ, तो वो मुझे इसको मिल गई और उसने पूछा कहाँ जा रही है, तो इसने बोला कि मम्मी के लिए खाना लेने जा रही हूँ, और वो ज़बरदस्ती बोली कि चल मैं ले बना के देती हूँ दो रोटी, तो वो उसने भेजे मेरे लिए खाना। तो आज उसके घर से मेरा खाना आया, उस टाइम 4:30 बज गए और अब हम फ्री हो गए बैठे हैं। अभी भी मैंने एक ग्राहक मेरा वापस कर दिया कि जाओ आप मार्केट घूम कर आओ फिर बाद में आना, मैं खाना खा रही हूँ। तो फिर वो चली गई, जब वो आएगी तब उसका काम करेंगे। और अभी लग रही है भूख बहुत ज़ोर से, और ये भी बहुत ज़बरदस्त भूखी हो रही है, और ये भी भूखी हो रही है आज हमें सबको भूख लग रही है, क्योंकि आज सुबह से हमारी वही हालत हो रखी है कि खड़ा ही नहीं हुआ यारा। अरे मैं उसके ना पहले फोड़ दी, मेरी गर्दन अकड़ गई हूँ तो मैं हटी भी एकदम जब भी तू ऐसे से कर रही थी मैं देखा था तुझे। ये बता रही है जो ब्रेड पकौड़े वाले भैया, मैं बताइयो ब्रेड पकौड़े वाले भैया ब्रेड पकौड़ा बना रहे थे, तो ये बता रही है ऐसे ऐसे बेसन घोल रहे थे ये, तो ये उसको बता रही है प्रियंका को, और मिक्स अच्छा ऐसे मिक्स कर रहा था, यहाँ तक आ रहा था और ये कड़े वड़े पहने हुए थे। अच्छा तो ये उसको बता रही है क्योंकि उसका मन कर रहा है ब्रेड पकौड़ा खाने का, इसलिए उसको समझा रही है कि देख ऐसे ऐसे ब्रेड पकौड़ा बना रहा था वो। अब हम जा रहे हैं धनतेरस का सामान लेने, क्योंकि आज झाड़ू और चावल और धनिया साबुत वाले और नमक, कहते हैं ये सब चीज़ें खरीदनी चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए, तो अब हम करेंगे धनतेरस की पूजा। तो अभी हम जा रहे हैं बड़ी दुकान पे झाड़ू वाड़ू लेने, तो हम ले आते हैं झाड़ू क्योंकि फिर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी शाम के बजे हैं 4:30 बज गए सॉरी, तो इस चक्कर में हम जल्दी निकल रहे हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो बहुत भीड़ लगेगी। हमारी मार्केट इतनी प्यारी लग रही है, मिठाइयों की दुकानें और यहाँ पे लोग बड़ी शॉपिंग हो रही है। ये कितने की है झाड़ू? अच्छा और ये वाली सब सौ सौ की है, महंगी हो गई है क्या आज के दिन के लिए? है आज के दिन की बात नहीं, हमारा मतलब रेट ही है ये। ओके दे दो, दो दे दो। ये मैंने धनिया साबुत, हाँ जी, और चावल दे दो। चावल आपको कैसे चाहिए? चलो आप दिखाओ, ये दे दो 1 किलो। और ये लाल वाले ये 50 के 12, और ये 20 के 12। अच्छा यही वाले दे दो। अभी हमने ले लिया पूरा सामान, झाड़ू वाड़ू सब लिया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, इतनी हालत ख़राब हो गई। और ये हमारी धनतेरस की तैयारी करी है, ये मैंने लेकर आई हूँ मार्केट से झाड़ू, और ये हमारे दिए, ये कलर वाले दिए हैं जो मैंने 2 जगह खरीदे हैं, एक इधर घर के लिए भी ले लिए और ये शॉप के लिए लिए हैं। ये हमारे दिए इस तरीके के लेकर आई हूँ इस बार, कलरफुल। और ये है दुकान का दिया, और ये है हमारे घर का दिया जिसमें अखंड ज्योत जलेगी, ये है। और ये छोटी सी तेल की शीशी है,
और ये लाए हैं ये लाई नमक का पैकेट। कहते हैं नमक आज के दिन खरीदने से बहुत शुभ होता है, तो ये नमक और ये धनिया, ये साबुत धनिया है जो आज के दिन बहुत शुभ होता है। और ये है धान, ये लाए हैं धान। और ये भी आज के दिन बहुत शुभ होता है, तो इस तरीके की चीजें हमारे लिए बहुत शुभ होती हैं आज के दिन खरीदने में। इसकी करेंगे पूजा। और ये सारा सामान हमारा हो गया इकट्ठा, और मैंने ये सारा सामान खरीद लिया। और इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, और मैंने कितनी मुश्किल से टाइम निकाल के भाग कर गई मैं फटाफट खरीद के लाई, और वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। मैंने ब्लॉग बनाया, आप देखना इतनी ज़बरदस्त भीड़ लगी है। और ये सब चीज़ें मैं ले आई हूँ। और अब ये एक झाड़ू, जो मैं दो झाड़ू लाई हूँ, ये इसमें से एक है मेरे दुकान के लिए और एक है मेरे घर के लिए, क्योंकि यहाँ की झाड़ू भी मेरी टूटी हुई है और मैं खरीद नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने कहा नहीं यार दीपावली पर लूँगी, तो इसीलिए मैंने आज खरीदी है। दीपावली का काफ़ी दिन से इंतज़ार था मेरा, और मेरी झाड़ू की हालत ऐसी ख़राब हो रही है। अब हम लेकर आए नई झाड़ू, और अभी बज गए शाम के, कितने बज गए, 5:20। अभी बज गए 5:20, और हम अब बेले होके बैठे हैं एक थ्रेडिंग करके। और आज का दिन भी ऐसा था कि बस पूछो मत, ढंग से खाना भी नहीं खाया, बस घप्पड़ घप्पड़ जो मिल गया वो खा लिया। ज़्यादा इतना ज़्यादा भूख भी लग रही थी, वो भी उनकी आंटी की वजह से, वो भी उनकी वजह से खाना मिल गया। भगवान उनका भला करे जिन्होंने हमारा पेट भरा क्योंकि आज तो पेट उसी ने भरा है भाई। तो ये है, और अब हम जाएंगे, और मैं लड़ी ढूंढ रही हूँ, मेरी लड़ी नहीं मिल रही यार। मैक भिगो दे दिया, अब मैक भिगो रही है दिया, क्योंकि आज के दिन एक दिया जलता है हमारे तरफ, तो बाकी आपकी तरफ पता नहीं कितने जलते हैं, बट हमारे एक जलेगा आज। तो अब हमने भिगो दिया दिया, जो एक बीचों बीच चौकट पे, मतलब शटर के दोनों तरफ में बीच में लगेगा ये एक दिया। और बाकी सारा सामान हमारा जाएगा घर पे, एक झाड़ू जो हम लाए हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी बना रही है बत्ती, बाती, ओ मोड़ मत इसको, अच्छे से बना ये बन गई है बत्ती, अब इसको रख दो। और अभी दिया को भिगो दिया, और फिर हम दिया जलाएंगे। अभी ये लग रहा है दिया, अभी बजे 7, ठीक है बाती लगाओ, पहले डबो, हाँ इस तरीके से बस, हाँ माचिस लेके आओ, जलाओ इसको, लगाओ। ये जला रही है दिया, वहां लगा दो, आराम से देखो ये हमारा जल गया दिया। अब हमने जला दिया दिया, और अब हम जाएंगे घर, और घर जाके फिर हमें घर पे भी दिया जलाना है। और हस्बैंड करते हैं पूजा मेरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही हमेशा पूजा करते हैं दीपावली पे भी और आज के दिन भी और सब जगह। और मैंने शॉप पे एक तो कर दी, दिया जला दिया, क्योंकि हमारे आज दिया जलेगा। ये ले अब 8:10 हो गए, और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि घर पे जाके भी दिए जलाने हैं, इसीलिए अब हम निकल गए। बेटा आने रहा, बेटे ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, तो अब हम निकल गए यहाँ से। और ये हमारी मार्केट है, तो ये मार्टिन भाई साहब बैठे हैं आके, क्या हुआ क्यों उल्ली, ये कौ बात
ये भिगोया दीदी ने दिया, क्योंकि आज के दिन एक ही दिया जलता है, तो ये भिगो दिया। ये हो गई है हमारी पूजा। अब हमारी हो गई पूजा, क्योंकि पूजा तो मेरे हस्बैंड नहीं करते, मैं पूजा नहीं करती, इन्होंने कर ली पूजा और दिया जला दिया हमने। आज धनतेरस का पूजा हमारी हो चुकी है और अब हम बनाएंगे खाना वाना, देखते हैं क्या बनाते हैं। बेटा है नहीं, बेटा गया इंटरव्यू देने, और ये मार्टिन भाई साहब अभी यहाँ बैठे हैं। आज मार्टिन की तबीयत खराब हो रही है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।